हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैब। इस सेशन में हम 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज करंट अफेयर्स के, जो कि जनवरी के हैं, उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, तो इस सेशन में हम 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जनवरी 2022 के, उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप लोग मुझे देख पा रहे, सुन पा रहे, तो प्लीज एक बार चैट बॉक्स में थम्स अप दे दीजिएगा, ताकि हम इस सेशन की शुरुआत कर सके। ओके गाइस, इफ यू कैन सी मी, आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो प्लीज चैट बॉक्स में थम्स अप दे दीजिएगा, सो दैट वी कैन बिगिन द सेशन। हेलो सिमरन, हेलो आरशी, हेलो अभिषेक। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, आई होप आपका जोश उसी तरीके से है जिस तरीके से आप अपने प्रिपरेशन कर रहे हैं, और इन क्वेश्चंस के लिए आप पूरी तरीके से रेडी हो। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द एग्रीमेंट ऑन प्रोहिबिशन ऑफ अटैक्स अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस एंड फैसिलिटीज, इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस। ठीक है, कौन से दो नेशंस के बीच का ये एग्रीमेंट है, ये चीज पूछी गई है। इज इट इंडिया एंड पाकिस्तान, यूएस एंड रशिया, रशिया एंड चाइना, या फिर इजराइल एंड सीरिया। तो फटाफट से इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। ये एक्चुअली काफी पुरानी एक एग्रीमेंट है, बट रिसेंटली न्यूज में थी, तो इस वजह से इसके बारे में डिस्कशन करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। यहाँ पर आंसर्स आने लगे हैं। हेलो नेक, हेलो पृथ्वी, हेलो मानसी। अक्षय ने सबसे पहले जवाब दिया, अक्षय कह रहे हैं ए, पृथ्वी का आंसर ए है। आरशी ए कह रहे हैं, हेलो आरती कैसे हो आप, इनका आंसर ए है। सिमरन का आंसर ए है, अभिषेक ए। ओके हेलो एवरीवन, और ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच की ये एक एग्रीमेंट है, क्योंकि बोथ कंट्रीज आर न्यूक्लियर, और जो न्यूक्लियर वेपन है वो डेवलप कर रहे हैं हम, इस वजह से ये एग्रीमेंट किया गया था बैक इन 1991, और ये चीज रिसेंटली न्यूज में थी, दैट इज वाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। नेक, सही जवाब अनु, भावना, सभी का जवाब सही है। बढ़ते सेकंड क्वेश्चन की तरफ, और आई थिंक पिछले क्वेश्चन का सबसे पहले सही जवाब दिया था अक्षय ने, बहुत बढ़िया अक्षय। और ये सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज टेकन ओवर एज द चेयर ऑफ काउंटर टेररिज्म कमिटी ऑफ द यूएनएससी फॉर द ईयर 2022। यस आरती, हेलो वीके शर्मा, कैसे हो आप, नेक कैसे हो, आई थिंक सिमरन बहुत काफी दिनों बाद पार्टिसिपेट कर रहे हो, हेलो अभिषेक। ये सेकंड क्वेश्चन के आंसर चाहिए आपसे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमारे लिए स्पेसिफिकली काफी रिलेवेंट क्वेश्चन है। इज इट जर्मनी, इंडिया, न्यूजीलैंड या फ्रांस, फटाफट से यहाँ पर आंसर दीजिए। आज भी हम छोटे वाले में ही ले रहे हैं, एंड आई होप आपको सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी, और आपकी प्रैक्टिस उसी लेवल पर जो है चलेगी इस सेशन में भी। तो पृथ्वी का आंसर आ गया है, बी कह रहे हैं, चेत एस्पिरेंट बी, अभिषेक का बी है, अनु बी कह रहे हैं, वीके शर्मा का बी है, आरती बी कह रहे हैं, मानसी, हेलो मानसी, इनका आंसर बी है, अक्षय बी, शिवानी बी, यस, रुद्रांशी, ओके रुद्रांशी ने कहा है टू इंडिया इज एब्सोल्युटली करेक्ट, एंड इस वजह से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। काउंटर टेररिज्म कमिटी जो यूएनएससी की है 2022 के लिए, इंडिया हैज बीन चेयरिंग इट, और इंडिया बहुत ही एक्टिव रहा है काउंटर टेररिज्म से रिलेटेड, एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी साइन करने से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंडिया पुश कर रहा है। आगे बढ़ते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर थ्री, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि यहां पर बुक्स एंड ऑथर्स पूछे गए हैं, कई बार एग्जाम में ये आ जाता है। ओके, तो सबसे पहली चीज यहां पर है, ये लिस्ट टाइप क्वेश्चन है, तो किस तरीके से हमें आंसर करना है वो हमें देखना होगा। तो यहां पर लिस्ट वन में जो भी आपको आता है वो आपको देखना है, और ट्राई टू मैच इट विद लिस्ट टू। तो आई होप आपको दोनों लिस्ट बहुत अच्छे तरीके से दिख रहे हैं, और यहां पर आंसर्स का वेट है, रतन एन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी, ये किसके द्वारा लिखी गई है, मैच करिए, लेट मी नो, इंडियाज अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी, लिटिल बुक ऑफ इंडिया, द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन। ओके, तो यहां पर आंसर्स आने लगे हैं। रजिंदर कैसे हो रजिंदर, इनका आंसर बी है, सिमरन ए कह रहे हैं, देखते हैं कौन से, ये सी भी आंसर आ गया, अभिषेक ने सी कहा है, देखते हैं किसका सही है, ए बी सी, तीनों ही आंसर्स आ गए हैं। सिमरन बहुत ही एंथुसियाज्म के साथ ए लिखा है इन्होंने, आरशी का आंसर ए है, पृथ्वी ए कह रहे हैं, वीके शर्मा का ए है, एच एस एस्पिरेंट बी कह रहे हैं, विनय का आंसर डी है, ए बी सी डी सारे आ चुके हैं, आरती डी कह रहे हैं, अनु डी कह रहे हैं। ओके, तो यहां पर देखिए रतन
टाटा जो है इनके ऊपर ये ऑथराइज्ड बायोग्राफी डॉक्टर थॉमस मैथ्यू इनके द्वारा लिखी गई थी। ओके, तो ये चीज काफी न्यूज में थी, इस वजह से ये हमें पता होना चाहिए। इससे हमारा एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है, ए टू जैसे ही हमने मैच किया। तो यहाँ मानसी ने ए कहा है, शिवानी का ए है, ए एस ए कह रहे हैं, ए एस कैसे हो, भावना का आंसर ए है, ने के मानसी है। ओके, रुद्रांशी इनका आंसर डी है। ओके, तो इंडिया अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी ये अरविंद नारायण इनके द्वारा लिखी गई। लिटिल बुक ऑफ इंडिया ये जो है 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करते हुए रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन जयप्रकाश नारायण जी के ऊपर जो बुक है वो सुजाता प्रसाद और बिमल प्रसाद इनके द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर ए इज मैच टू टू, बी इज मैच टू वन, सी फोर है एंड डी थ्री है। तो हमारा सही जवाब एक्चुअली होना चाहिए ए। एंड आई थिंक सबसे पहले इसका सही जवाब दिया है सिमरन ने। बहुत बढ़िया सिमरन, अगेन आप जो है बहुत अच्छे तरीके से आपने यहाँ पर बाजी मारी है। ओके, तो ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट, जिसने भी ए जवाब दिया है वो सही है। हेलो निर्मा, काइंडली ज्वाइन फास्ट। क्वेश्चन नंबर फोर हमारे सामने, तीन ही क्वेश्चन हुए हैं, फटाफट से आपका भी आंसर यहां पर अवेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव पढ़े, भारत कैंपेन, इसके बारे में पूछा गया। इट हैज बीन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन और इट एम्स टू डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग इन लोकल लैंग्वेजेस। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम अभिषेक। यस, लिटिल बुक रस्किन बॉन्ड, नो प्रॉब्लम, यहां हम गलती करेंगे, हमारा यही फॉर्मूला के एग्जाम में हम गलती नहीं करेंगे, राइट। तो पढ़े भारत कैंपेन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है। फटाफट से देखिए कौन से यहां पर स्टेटमेंट्स आपको सही लग रहे हैं, गलत लग रहे हैं, उसके हिसाब से आपको आंसर करना है। दोनों आपको सही लग रहे हैं तो यू विल गो विद ए, दोनों ही गलत है तो बी आपका आंसर होगा। स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड टू इज इनकरेक्ट, तो आप सी कहोगे। और बहुत लोगों ने यहां पर आंसर्स देने शुरू कर दिए हैं। वीके शर्मा का आंसर ए है, सबसे पहले इन्होंने जवाब दिया है। सिमरन डी कह रहे हैं, अनु का आंसर ए है। हेलो अनु, हेलो विनय, कैसे हो, विनय का आंसर डी है। अभिषेक डी, रुद्रांशी का बी है, आरशी डी कह रहे हैं। ओके, काफी वेरिड आंसर्स है। ओके, नॉट लॉन्च्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मानसी सही कह रहे हो एंड विनय यहां पर सही है। ये डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन नहीं है, स्कूल एजुकेशन है, राइट। तो इस वजह से ये वाला गलत है, ऑल्दो हमें ये सही लग रहा होगा बट ये गलत है। इसका एम क्या है, क्योंकि मोस्ट एग्जाम्स में और इवन हमारे एचपीएस में एम पूछ लिया जाता है किसी भी इनिशिएटिव का, हैबिट ऑफ रीडिंग इन लोकल लैंग्वेज इज एक्चुअली द करेक्ट आंसर। यस यस, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नॉट हायर, यस ये सही है। तो हमारे यहाँ पर जवाब हो जाता है डी एंड आई थिंक सबसे पहले डी सही जवाब दिया है। अगेन सिमरन, सिमरन ने बाजी मारी है फिर से, तो किसी को कंपटीशन देना पड़ेगा सिमरन को। और आई होप क्वेश्चन नंबर फाइव में कोई ना कोई सिमरन से पहले जवाब देगा। देखते हैं, इंडिया फर्स्ट वाटर टैक्सी सर्विस हैज बीन लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, कौन से सिटी में इंडिया का सबसे पहला वाटर टैक्सी सर्विस लॉन्च किया गया। इज इट कोलकाता, कोची, मुंबई या चेन्नई। फटाफट से क्वेश्चन का जवाब दीजिए, बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन है और ये न्यूज में भी था, थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है लेकिन आपको यहां पर सही जवाब देना है, राइट। यहां आंसर्स आने लगे हैं। अभिषेक ने सबसे पहले जवाब दिया सी कह रहे, एचएस एस्पिरेंट सी, अक्षय का सी है, अनु सी, एएस का आंसर सी है, विनय सी, ऑलमोस्ट सभी ने सी आंसर दिया, मानसी, आरती, राजेंद्र, वीके शर्मा, शिवानी, हेलो शिवानी, आरशी का आंसर बी है, यस मानसी, मुंबई कह रहे हैं, ओके, पृथ्वी का सी है, भावना सी कह रही है, अभिषेक बहुत बढ़िया। आई थिंक अभिषेक ने सबसे पहले इस क्वेश्चन का जवाब दिया है। द आंसर हियर इज सी, मुंबई। एंड अभिषेक ने बता भी दिया है कि मुंबई टू नवी मुंबई ये हमारा सही जो है ट्रैवल रूट है इसका। और अभिषेक बहुत बढ़िया, अभिषेक एलिफेंटा केव्स ऑल्सो, ओके फाइन, विनय ये कह रहे हैं, राइट, ओके अभिषेक, राइट। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स आपके सामने है, बहुत अच्छे अभिषेक आपने सही जवाब दिया पिछले क्वेश्चन का और सबसे पहले टक्कर दे दी सिमरन को। तो यहां विद रेफरेंस टू पैंगोंग सो पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये जो लेक था फॉर ऑल अनफॉर्चुनेट रीजंस न्यूज में था,
पर इससे क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो हमें पता होना चाहिए इसके बारे में। इट इज अ फ्रेश वाटर लेक, सबसे पहला स्टेटमेंट है। थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ा होगा इस लेक के बारे में। द मेजोरिटी ऑफ द लेक लाइज इन द इंडियन बाउंड्री, इट इज एन एंडोरेइक लेक। ठीक है, तो फटाफट से इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। जितने भी लोग हैं आंसर्स, मैं सभी से चाहता हूं या तो आपको आता है, नहीं आता है, नहीं आता है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। गलत जवाब देने से डरिएगा मत, जवाब जरूर दीजिएगा। राइट, इफ यू डोंट नो, स्किप करना बेस्ट चीज होती है। आंसर्स यहां पर आने लगे हैं। पृथ्वीराज का सी है, अभिषेक डी कह रहे हैं, विकी शर्मा सी कह रहे, एचएस एस्पिरेंट सी, अक्षय का सी है, हेलो विवेक, विवेक का सी है, शिवानी डी कह रहे, राजेंद्र सी, भावना सी, प्रशांत कैसे हो प्रशांत, प्रशांत का आंसर सी है, अनु का सी, नेक थ्री ओनली, ओके राइट, नॉट फ्रेश वाटर, ओके मानसी एंड सिमरन डी कह रहे हैं, मानसी कह रहे हैं सॉल्ट वाटर लेक, राइट। तो यहां पर अगर हम देखें, ऑब्वियसली ये पैंगोंग सो जो है फ्रेश वाटर लेक नहीं है, एंड मेजर पार्ट ऑफ दिस लेक एक्चुअली लाइज इन द जो ऑक्यूपाइड रीजन है हमारा अक्साई चिन का, और जो फॉर्मली अगर हम देखें चाइना में आता है, राइट। तो वहां पर आपको ज्यादातर इस लेक का रीजन देखने को मिलेगा। ये एक एंडोरेइक लेक है, यानी कि ये लेक से किसी भी तरह की ओपनिंग नहीं है और ये आउटफ्लो नहीं करती है। मोस्ट लेक्स जो है आउटफ्लो करते हैं किसी ना किसी स्ट्रीम या किसी ना किसी तरीके से इनटू द ओशन, तो ये लेक नहीं करती है इस तरीके से। अगर हम मैप में भी देखें तो यहां पर आप देख सकते हैं छोटा सा, तो मेजर पोर्शन जो है ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बाहर जो चाइना का रीजन है वहां पर पड़ता है, जो कि एक्सेप्टेड अभी का स्टेटस क्यो के हिसाब से। ओके, तो ओनली थ्री, ये वाला स्टेटमेंट खाली सही था, ये दोनों गलत है। तो कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आ सकते हैं और इस वजह से हमें इसकी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करनी होगी। सी इज द करेक्ट आंसर, एंड आई थिंक यहां पर सबसे पहले सही जवाब दिया है हमारे पृथ्वी ने, बहुत बढ़िया पृथ्वी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। गांधी सागर डैम इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, तो गांधी सागर डैम भी स्लाइट अनफॉर्चुनेट रीजंस के वजह से न्यूज में था। ये डैम कौन से रिवर पर बनाया गया है, इज इट रावी, इज इट ब्यास, इज इट चंबल या नर्मदा। फटाफट से सभी से आंसर्स यहां पर चाहता हूं मैं, प्लीज पार्टिसिपेट करिए और जो भी आपकी नॉलेज है वो आप यहां पर दिखा सकते हो। तो विवेक का सबसे पहला जवाब आया है डी कह रहे हैं, मानसिक आंसर सी है, शिवानी सी कह रहे हैं, इवन इफ यू डोंट नो आप स्किप कर सकते हो। तो इस तरीके से हम एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन को आंसर करेंगे इसकी ट्रिक भी सीखते हैं, राइट। तो इस का आंसर यहां पर आने लगे, सिमरन ने डी का, विनय का डी है, मानसी चंबल कह रहे हैं, अभिषेक का सी, अक्षय डी, पृथ्वी सी, अनु सी। ओके, सी एंड डी में यहां पर फाइट चल रही है, देखते हैं सही जवाब क्या है। सही जवाब है चंबल। ओके, सी चंबल इज एब्सोल्युटली करेक्ट, और ये जो डैम है रिसेंटली न्यूज में थी, जस्ट बिकॉज इस डैम से रिलेटेड ये आया था कि इसकी रिपेयर बहुत जल्दी से जल्दी करनी पड़ेगी, बहुत ही ज्यादा ओल्ड हो चुकी है ये डैम, एंड आई थिंक सबसे पहले इसका सही जवाब दिया है मानसी ने, बहुत बढ़िया मानसी, बहुत ही अच्छे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। महाराजा बीर बिक्रम एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, ये भी न्यूज में था। यस, एमपी में है ये, राइट, बहुत ही बढ़िया, एमपी में है। हाँ, गांधी सागर एमपी में जो डैम है, विनय उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो महाराजा बीर बिक्रम एयरपोर्ट, ये भी न्यूज में था, और ये जो एयरपोर्ट है कहां पर देख रहे हैं हम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, सिक्किम या उड़ीसा। फटाफट से सभी से जवाब यहां पर चाहता हूं मैं। अभिषेक का आंसर बी है, पृथ्वी बी कह रहे हैं, विनय बी, भावना, आरशी, मानसी, वीके शर्मा, एएस, राजेंद्र, अनु, अक्षय, एचएस, सभी का, ऑलमोस्ट सभी का आंसर बी है। हेलो भरत, हेलो प्रतिभा, कैसे हो आप। तो सभी का आंसर बी है, बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। रिसेंटली यहां पर जो है एक इंटीग्रेटेड जो सेंटर है उसका इनॉग्रेशन हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया था, इस वजह से ये न्यूज में था। त्रिपुरा इज एब्सोल्युटली करेक्ट, रुद्रांश, रुद्रांशी, सॉरी अगर मैं आपका नाम गलत पुकार रहा हूं। तो विनय बी इज करेक्ट, ओके, एथ का आंसर बी है, एंड आई थिंक सबसे पहले एथ का आंसर यहां पर दिया है अभिषेक ने,
बहुत बढ़िया अभिषेक, क्वेश्चन नंबर 9 में भी देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर करता है। इंडिया फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम हैज बीन इनॉग्रेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस। पहली बार कोई चीज होती है तो एग्जाम में आना ही आना है, एक ना एक क्वेश्चन उससे रिलेटेड। सारी इस तरह की चीजें इन करंट अफेयर सेशन में बहुत ही बढ़िया तरीके से कवर किए जाएंगे, तो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद दीज सेशन। और यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब आपको देना है, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई या भोपाल, कौन सा यहाँ पर सही जवाब है। गलत जवाब आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है, बहुत ज्यादा ये न्यूज में था। पृथ्वी का आंसर बी है। भावना, एचएस, एस्पिरेंट, अक्षय, अभिषेक, अनु, भरत, वीके शर्मा, राजेंद्र एस, सभी का आंसर यहां पर बी। आरसी शिवानी, निर्मा, नेक, विनय, मुकेश, हेलो मुकेश, सिमरन, प्रतिभा, सभी का आंसर, प्रशांत, मधु, विवेक, बंटी जी और विनय, सभी का आंसर बी है। बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ओपन रॉक म्यूजियम इस वजह से क्योंकि इट इज टोटली ओपन, ठीक है, ओपन एयर जिसे हम कहते हैं, इस तरह का पहला ओपन रॉक म्यूजियम है। रॉक फॉसिल्स ये सब आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, सॉरी गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, फटाफट से, आई होप आपने देखा नहीं होगा जो हुआ। और पृथ्वी ने सबसे पहले 9th का आंसर दिया है और बहुत बढ़िया। 10th क्वेश्चन आपके सामने है, द कपल टॉय क्लस्टर फर्स्ट टॉय इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्राइजिंग द एंटायर वैल्यू चेन ऑफ टॉय मैन्युफैक्चरिंग इज बीइंग सेट अप इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। ये जो है कहां पर आप देख रहे हो। हेलो पावना ठाकुर जी, कैसे हो आप, गुड मॉर्निंग। ओके, 10th के आंसर्स आने लगे हैं। विनय ने सबसे पहले आंसर दिया है, आई होप अपने से दिया है आपने, एंड इनका आंसर सी है। भरत सी कह रहे हैं, मानसी कर्नाटका, पृथ्वी सी, सुशांत सी, मानसी ए एस, अनु, भावना, होपफुली, ओके पृथ्वी याद दिख गया, राइट। एनीवे सही जवाब यहाँ पर कर्नाटका है। कोप्पल जो है ये एक जगह वहां पर हम कर्नाटका में देख रहे हैं, और कोप्पल टॉय क्लस्टर एक ऐसा इंटीग्रेटेड टोटल टॉय क्लस्टर है कंप्राइसिंग द एंटायर वैल्यू चेन, सारी जो चीजें चाहिए टॉय मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो वहां पर मिल रहे हैं। और इससे रिलेटेड हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत ज्यादा इस पर ध्यान है, जो इंडिजिनस इससे रिलेटेड क्राफ्ट है उसे बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। हाल ही में हमने ये चीज देखी थी, प्रतिभा ने इसे स्किप किया है। विवेक ओके, मधु का आंसर सी एब्सोल्युटली करेक्ट। तो पिछले क्वेश्चन का सबसे पहले आई थिंक ये जवाब दिया है, एंड आई होप अपने से विनय ने, ठीक है, तो विनय बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन इंटीग्रेटेड स्टील मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन इंडिया। लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन इस तरह का जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो कहां पर हम देख रहे हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील विजयनगर, सालम स्टील प्लांट, टाटा स्टील लिमिटेड, राउरकेला स्टील प्लांट या विशाखापट्टनम। ओके, ये अभिषेक दिस हैज टू बी चेक्ड, आई एम नॉट सो श्योर जो आप कह रहे हो, आई होप वो सही है, राइट। 11th का सबसे पहले यहां जवाब दे दिया है विनय ने, डी कह रहे हैं, पृथ्वी डी कह रहे हैं, ऑलमोस्ट सभी का आंसर डी है। ओके, विकी शर्मा, भरत, मानसी, भावना ने स्किप किया है, बहुत अच्छे, अगर नहीं आता तो स्किप करना बेस्ट होता है। मोस्टली सभी का आंसर डी है, आई थिंक इस बार इस क्वेश्चन का पॉइंट जा रहा है मुझे, क्योंकि रिसेंटली जेएसडब्ल्यू स्टील विजयनगर जो है ये लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन इंटीग्रेटेड स्टील मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है बना है, और इस वजह से ये चीज न्यूज में भी थी। और द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली ए, आई थिंक किसी ने भी इसका सही जवाब नहीं दिया, तो इसका पॉइंट मुझे ही जा रहा है दोस्तों। तो जेएसडब्ल्यू स्टील विजयनगर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ओके, इस वजह से ये न्यूज में भी था, बहुत अच्छा काम किया भावना, निर्मा और अभिषेक ने स्किप करके। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आगे बढ़ते हैं। बुचारेस्ट 9 ग्रुप, ये रिसेंटली न्यूज में था, इट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। बुचारेस्ट 9, यू आर थिंकिंग ऑफ ए भरत, आपने क्या दिया जवाब, फिर डी दिया है। ओके, एनीवे राइट, तो एग्जैक्टली अगर हमें नहीं पता है भरत, यहाँ से यही सीख है कि हम उसको इस तरह के एटलीस्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में हम थिंकिंग के बेसिस पर आंसर ना करें, राइट। यहाँ देखिए, बुचारेस्ट 9 ग्रुप रिसेंटली न्यूज में था, क्या है ये, प्लेटफॉर्म ऑफ 9 कंट्रीज फॉर पॉलिटिकल कंसल्टेशन एंड कोऑपरेशन, एनवायरमेंटल कोऑपरेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन या COVID-19 कोऑपरेशन, इसमें से कौन सा सही है। ओके, अभिषेक और भी फैक्ट्स बता रहे हैं यहाँ पर, इसके इससे भी आई एम नॉट सो श्योर। अभिषेक, अजूर पावर लिमिटेड आप कह रहे हो, ओके फाइन। विनय ने बहुत ही
दिमाग लगाकर स्किप किया है इस बार, सिमरन ने स्किप किया है, बहुत ही क्लोज ऑप्शन है यहाँ पर, अनलेस यू नो द कॉन्टेक्स्ट आप यहाँ पर गलती कर सकते हो। अक्षय ने ए जवाब दिया है, वीके शर्मा सी कह रहे हैं, रुद्रांशी डी कह रहे हैं, ए एस ए कह रहे हैं, आरशी ने स्किप, अनु ने स्किप किया, विवेक का ए है, अभिषेक का ने स्किप किया है। ओके तो यहाँ पर सही जवाब ए है एंड आई थिंक इस बार सही जवाब दिया है अक्षय ने, बहुत ही अच्छे अक्षय। और ये एक 9 कंट्रीज का ग्रुपिंग है जो कि पॉलिटिकल कंसल्टेशन और कोऑपरेशन, क्योंकि अभी फिलहाल हम देख रहे हैं थ्रेट जो रशिया से हो रहा है यूक्रेन को, और ये कुछ कंट्रीज है जो कि नेटो का पार्ट नहीं है, स्पेसिफिकली यूक्रेन। ओके और नेटो और रशिया का जो टकराव चल रहा है, इन सभी चीजों में हमें नहीं पढ़ना है। इस तरीके से एक पॉलिटिकल कोऑपरेशन किया जा रहा है एस्टोनिया, लाटविया, लिथुएनिया, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हमारा हंगेरी हो गया और रोमेनिया, बल्गेरिया। तो आप देख सकते हैं ये बॉर्डर है, ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ नेटो, राइट। तो इस वजह से इनके कोऑपरेशन हुई है। इज इट बफरिंग, प्लीज लेट मी नो क्या आप सही तरीके से। हाँ अक्षय, बहुत बढ़िया, अक्षय ने सही जवाब दिया है, रशिया के थ्रेट से बचने के लिए इस तरीके से इन्होंने जो है एक ग्रुपिंग बनाई है। यस, इट्स हेडक्वार्टर्स इज इन रोमानिया। ओके अक्षय एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बहुत बढ़िया अक्षय। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, रिसेंटली विच अमंग द फॉलोइंग रीजन हैज इम्पोज्ड अ बैन ऑन टैटू इंक एंड परमानेंट मेकअप कंटेनिंग केमिकल्स फियर्ड टू कॉज कैंसर और हेल्थ रिस्क। ओके कौन सी ऐसी रीजन है जिसने बैन किया है टोटली इस टैटू इंक को एंड परमानेंट मेकअप, जिसमें हार्मफुल केमिकल्स आप देख सकते हो। ओके तो ये चीज, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैन और अलग अलग तरह के न्यू डिसीजंस जो लिए जाते हैं उससे रिलेटेड। विवेक नो कह रहे हैं, विवेक कोई इश्यू है प्लीज लेट मी नो। 13th का यहाँ पर आंसर आने लगा, अक्षय ने ए कहा है, आर्शिक आंसर ए है, विवेक यू कह रहे हैं, ओके एच एस सी कह रहे हैं, नो आइडिया शिवानी, नो प्रॉब्लम, स्किप किया है वीके शर्मा ने, काफी आंसर्स ए है, कुछ सी है, कुछ लोगों ने स्किप किया। तो यहाँ पर सही जवाब ए है, यूरोपियन यूनियन मोस्टली इस तरह की चीजें करता है एंड एनवायरमेंटली काफी ज्यादा जो है स्टीवर्डशिप दिखाया जाता है, एंड ये चीज की गई है यूरोपियन यूनियन के द्वारा। याद रखिएगा टैटू इंक को पूरी तरीके से बैन करने का जो है बीड़ा उठाया है, और परमानेंट मेकअप जिसमें हार्मफुल केमिकल्स हो उन्हें भी बैन किया जा रहा है यूरोपियन यूनियन द्वारा। ओके नो बफरिंग, ओके थैंक यू सो मच विवेक। 14th क्वेश्चन यहां पर आपके सामने, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ चिले। ठीक है, इज इट डेल्सी, इज इट गैब्रियल बोरिक, सीलिया फ्लोर्स या एलिसा लॉन्कन, कौन सा आपको यहां पर सही लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, विनय ए कह रहे हैं, 13th का एब्सोल्युटली करेक्ट, 13th का आई थिंक ए सबसे पहले सही जवाब अगेन यहां पर दिया है अक्षय ने, बहुत बढ़िया, अक्षय लीड ले रहे हैं अब धीरे धीरे, देखते हैं कौन काउंटर करता है। 14th क्वेश्चन के आंसर यहां पर आ गए हैं, अभिषेक बी कह रहे हैं, विवेक का आंसर बी है, पृथ्वी बी, ए एस बी, अनु का बी है, ओके यंगेस्ट है अभिषेक, ओके फाइन, भरत बी कह रहे, एच एस बी, विनय, वीके शर्मा, निर्मा, पावना, नेक, आरशी, बोरिक, ओके तो यहां पर जो है सही जवाब गैब्रियल बोरिक इज द करेक्ट आंसर। ऑल्दो ये चिले में जो हमारे प्रेसिडेंट थे वो जनवरी में चेंज हुए थे, बट इमीडिएटली अगेन इन मार्च 2022 चेंज हुए थे। तो लेटेस्ट जो नाम है वो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं जो कि रिलेवेंट है हमारे लिए। गैब्रियल बोरिक इज द करेक्ट आंसर, अभी के प्रेसिडेंट वो है, ही इज वन ऑफ द यंगेस्ट, ओके यंगेस्ट प्रेसिडेंट, यस राइट, ओके तो ये जो है सही जवाब है, बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन 15 आपके सामने, रिसेंटली द फर्स्ट केस ऑफ फ्लोरोना डिसीज। ठीक है, फ्लोरोना डिसीज काफी ज्यादा न्यूज में थी, इट हैज बीन डिटेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, इज इट यूके, ग्रीस, माल्टा या इसराइल। तो पिछले का आई थिंक सही जवाब सबसे पहले अभिषेक ने दिया है, बहुत ही अच्छे अभिषेक, टक्कर दिया आपने, राइट। तो फ्लोरोना डिसीज एक कॉम्बिनेशन हम कह सकते हैं एक तरीके का जो कि नॉर्मल फ्लू अलॉन्ग विथ कोरोना के जो सिम्टम्स और उनके वायरस जो हैं उनका। तो 15th स्किप किया जा रहा है यहाँ पर सिमरन के द्वारा, एंड वीके शर्मा का आंसर ए है, शिवानी सी कह रहे हैं, विवेक इसराइल कह रहे हैं, अक्षय डी कह रहे हैं, आरशी सी,
एएस ने स्किप किया है, तो फटाफट से इसका जवाब देते हैं। फ्लोरोना डिसीज का सबसे पहला केस देखा गया था इसराइल में। इस तरह के फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एंड आई थिंक इसका भी सही जवाब दिया है सबसे पहले और करेक्ट हमारे अक्षय ने, राइट। तो डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इसराइल में सबसे पहला केस इसका देखा गया था, पावना ने स्किप किया है, बहुत बढ़िया। अगर हमें नहीं पता है दैट इज द बेस्ट वे। 16 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली द सी ड्रैगन 22 एक्सरसाइज, द मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। इट हैज बीन हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन, ये पूछा गया। इज इट बे ऑफ बंगाल अरेबिक ओशन या साउथ चाइना सी पैसिफिक ओशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। ओके, नेक ने एक है, राइट। क्वेश्चन नंबर 16 ये पूछा जा रहा है कि सी ड्रैगन 22 एक्सरसाइज ये कहां पर हुआ था। ओके, इसका लोकेशन कई बार पूछ लिया जाता है ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस वजह से, और साथ में जो एक्सरसाइजेस हैं, जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं, इन पर क्वेश्चन काफी आते हैं, तो इस वजह से हम ये पढ़ रहे हैं। अभिषेक का आंसर सी है, पृथ्वी सी कह रहे हैं, भरत सी कह रहे हैं, वाम आईलैंड, अनु का आंसर सी है, सिमरन सी, ओके, साउथ चाइना सी। एस ने डी कहा है, एक्चुअली द करेक्ट आंसर हियर इज डी पैसिफिक ओशन, राइट गाइस। काफी लोगों ने सी जवाब दिया है, तो प्लीज डू चेक कि ये सही है या नहीं। तो पैसिफिक ओशन इज द करेक्ट आंसर। ओके, कनाडा पे साउथ कोरिया, अभिषेक ये भी कह रहे हैं। ओके, प्लीज चेक दिस, अकॉर्डिंग टू मी द करेक्ट आंसर इज पैसिफिक ओशन डी, राइट। तो प्लीज इसको चेक करिएगा एंड लेट मी नो। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। रिसेंटली ओडकुजल अवार्ड वॉज इन द न्यूज, इट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स, इज इट लिटरेचर, जर्नलिज्म, फोटोग्राफी या फिल्म्स, काउंटर चाइनीज एग्रेशन इन पैसिफिक। ओके, राइट, आई थिंक डी इज करेक्ट, राइट। इवन दो कई लोगों ने सी जवाब दिया है, तो प्लीज डू चेक इट, राइट, पैसिफिक सही है। ओके, फाइन। तो 17th क्वेश्चन आपके सामने है, ओडकुजल अवार्ड ये कौन से फील्ड से रिलेटेड है। अवार्ड्स के फील्ड्स भी कई बार आ जाते हैं, इज इट लिटरेचर, जर्नलिज्म, फोटोग्राफी या फिल्म। ओके, 17th का आई थिंक सबसे पहला जवाब यहाँ पर वीके शर्मा का आ गया, बी कह रहे हैं, विवेक का आंसर ए है, आरशी पावना ने स्किप किया है, विनय ने स्किप किया है, बबीता का आंसर बी है, देखते और भी कोई इसका जवाब दे रहा है, भरत बी कह रहे हैं। ओके, इसका सही जवाब एक्चुअली है लिटरेचर, ठीक है, लिटरेचर और राइटर्स को ये जो अवार्ड है दिया जाता है, लिटरेचर इज द करेक्ट आंसर, ए इज करेक्ट, टेरिटरी ऑफ। ओके, 17th का ए इज द करेक्ट आंसर, एंड आई थिंक सबसे पहले सही जवाब 17th का दिया है विवेक ने, बहुत अच्छे विवेक, तो लिटरेचर इज द करेक्ट आंसर, राइटर्स को ये दिया जाता है। क्वेश्चन 18 आपके सामने, वीर गाथा प्रोजेक्ट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज, मिनिस्ट्रीज से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है एक से ज्यादा मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है, इस वजह से इस तरह का क्वेश्चन जो है आपके सामने लाया गया है। ओके, 17th के आंसर से एस ने ए दिया है, विनय ए कह रहे हैं, माही का आंसर ए है, हेलो माही, और या यूएस एयरफोर्स। ओके, वीर गाथा प्रोजेक्ट कौन सी मिनिस्ट्रीज रिलेटेड है यहाँ पर, डिफेंस, एजुकेशन, होम अफेयर्स, क्या आपको लग रहा है, फटाफट से इसका जवाब दीजिए। अक्षय का आंसर ए है, अभिषेक डी कह रहे हैं, भरत का सी है, ए सी डी तीनों आ गए हैं, कोई बी भी जवाब दे रहा है इसका, सारा जोसेफ, माही टू सारा जोसेफ, ओके, सॉरी माही, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड अब क्या कह रहे हो। पावना का आंसर डी है, ए एस ए कह रहे हैं, वीके शर्मा ए, प्रतिभा का आंसर सी है। ओके, तो यहाँ पर सही जवाब एक्चुअली है ए, डिफेंस एंड एजुकेशन मिनिस्ट्रीज के द्वारा किया गया ये प्रोजेक्ट है, स्टूडेंट्स को जो गैलेंट्री अवार्ड्स मिले हुए हैं उनसे रिलेटेड अवेयरनेस उनके बीच लेकर आने से रिलेटेड ये इनिशिएटिव लाया गया था। 18th का अगेन आई थिंक सबसे पहले सही जवाब दिया है हमारे अक्षय ने, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने, 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स आर गोइंग टू बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, बहुत ईजी, थोड़ा बहुत हम इसको फॉलो भी करते हैं तो हमें पता होना चाहिए, कनाडा, इज इट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या इंग्लैंड, फटाफट से इसका जवाब दीजिए, इजी क्वेश्चन आपके सामने है। विवेक ने स्किप किया है, मधु सी कह रहे, ओके, या चलो आप लोग जवाब दोगे उसी हिसाब से होगा। तो 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स की अगर हम बात करें, अभिषेक डी कह रहे हैं, नेक, ओके, डी डी डी, बिर्मिंगम इज एब्सोल्युटली करेक्ट, तो फटाफट से हम
सही जवाब देख लेते हैं. डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. इंग्लैंड. रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन टू हेड ONGC, राइट? इज इट शिफाली, अलका मित्तल, वीनी या अनीता सेन गुप्ता? बिर्मिंगम इज एब्सोल्युटली करेक्ट. इसका फटाफट से जवाब दीजिए. 19th क्वेश्चन आपके सामने, सॉरी क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने, और 19th क्वेश्चन का सही जवाब सबसे पहले अभी ने दिया है. बहुत अच्छे, आप जितना फास्ट फास्ट आंसर दोगे उतना फास्ट हम इस सेशन को करेंगे. 20th के आंसर्स आने लगे हैं. पृथ्वी का बी है, 18 का सी. ओके, 20B, राइट. ओके, तो फर्स्ट वुमन टू हेड ONGC इज एक्चुअली अलका मित्तल. अलका मित्तल इज एब्सोल्युटली करेक्ट. 20 का बी. 21 क्वेश्चन. रिसेंटली द फर्स्ट एवर स्टार्टअप इनोवेशन वीक वॉज ऑर्गेनाइज फ्रॉम 10 to 16 January 2022. ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? थोड़ा सा नाम से भी हम पकड़ सकते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ यूथ, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. फटाफट से क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब दीजिए. 20 का सबसे पहले आई थिंक पृथ्वी ने जवाब दिया है. बहुत बढ़िया, ठीक है. तो ये जो क्वेश्चन है स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक से रिलेटेड पूछा गया है. यूथ, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप. क्या आपको सही लगता है? तो अभिषेक ने सी कहा है. विवेक का आंसर डी है. सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इज द करेक्ट आंसर हियर. सिमरन डी कह रहे हैं, पवन का डी है. ओके, सी इज करेक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. क्वेश्चन 22 देखिए, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, बहुत ज्यादा न्यूज में था. विच कंट्री हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद ब्राह्मोस एरोस्पेस टू प्रोक्योर अ शोर बेस्ड ब्राह्मोस एंटी शिप मिसाइल सिस्टम फ्रॉम इट्स नेवी? ठीक है, कौन सी कंट्री ने ये जो एग्रीमेंट है वो किया है? मॉरिशियस, फिलीपींस, थाईलैंड या वियतनाम? ओके, 22 क्वेश्चन आपके सामने है. 21 का सही जवाब था सी, अभी, राइट. तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 22, ये अग्रीमेंट किसके द्वारा साइन की गई है, किस कंट्री के द्वारा? 22 के आंसर्स आने लगे हैं. अभिषेक बी कह रहे, पृथ्वी, अक्षय, विवेक. विवेक का आंसर डी है. सही जवाब यहां पर है दोस्तों फिलीपींस. ओके, दिस वाज इन द न्यूज, ये तो आपको सही सही पता होना चाहिए. अभिषेक ने इसका जो है अमाउंट भी लिख दिया है. ओके, क्वेश्चन 23 आपके सामने है. रेड सैंडर्स इज एन इंडियन एंडेमिक ट्री स्पीशीज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन? वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया या आरावली रेंजेस? फटाफट से इसका जवाब दीजिए. भरत नेक माही, फिलीपींस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. क्वेश्चन 23 के आंसर्स अवेटेड है. रेड सैंडर्स, बहुत ज्यादा ये जो स्पीशीज है वो न्यूज में भी था. कौन से एरिया को एंडेमिक ट्री स्पीशीज है, यानी कि सिर्फ यहां पर आप इस स्पीशीज को देखोगे? पृथ्वी का आंसर बी है. अक्षय बी कह रहे हैं. अभिषेक बी, भरत बी, प्रतिभा बी कह रहे हैं. चेस एस्पिरेंट बी. बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ईस्टर्न घाट, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इन एरियाज में ये जो है देखा जाता है. क्वेश्चन 24 आपके सामने, फटाफट इसका जवाब दीजिए. हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवार्डेड आउटस्टैंडिंग इन्वेस्टिगेटर अवार्ड बट द US बेस्ड वर्ल्ड इंडिया डायबिटीज फाउंडेशन? तो इसमें रिसर्च से रिलेटेड जो बहुत ही बढ़िया काम किया गया है उसके लिए ये जो अवार्ड है वो दिया गया है. इट इज एंडेंजर्ड इन IUCN लिस्ट. ये अक्षय बता रहे हैं. यस, अभिषेक ने भी कहा है. बहुत बढ़िया अक्षय, बहुत बढ़िया अभिषेक, ठीक है. तो इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए. और ये जो है आउटस्टैंडिंग इन्वेस्टिगेटर अवार्ड ये दिया गया है, किनको दिया गया है ये पूछा जा रहा है. विनय का आंसर 23 का बी है. ओके, 24 के आंसर्स यहां पर अवेटेड है. सिमरन सी कह रहे हैं, अभिषेक सी कह रहे हैं. देखते हैं और भी कोई इसका जवाब दे रहे हैं. इफ यू डोंट नो स्किप भी आप कर सकते हो, बट पार्टिसिपेशन इज नेसेसरी. पृथ्वी सी कह रहे हैं, नेक सी कह रहे हैं, विनय ने स्किप किया है. तो सही जवाब एक्चुअली यहां पर है विजय विश्वनाथन. इनकी जो हॉस्पिटल और जो सेंटर था उसे दिया गया है आउटस्टैंडिंग इन्वेस्टिगेटर अवार्ड. रिसर्च इन डायबिटीज ये बहुत ही बढ़िया तरीके से किया गया था इनके द्वारा, दैट इज वाई ये सही है. ओके, कई लोगों ने सी जवाब दिया है. प्लीज डू चेक दिस ऑल्सो, मैंने ये चेक किया था एंड विजय विश्वनाथन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. ओके, क्वेश्चन 25 आपके सामने. रिसेंटली विच मूवी हैज वन द गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 फॉर बेस्ट मोशन पिक्चर एंड ड्रामा? ओके, इज इट पावर ऑफ द डॉग, वेस्ट साइड स्टोरी, ड्राइव माय कार या एनकांटो? ठीक है, इसमें से कौन सा आपको सही लग रहा है? यस, सुब्रमण्यम. ओके, बी इज राइट. 25 के आंसर्स आने लगे हैं. पृथ्वी ए कह रहे हैं, अभिषेक का ए है ए, एंड अक्षय का ए है, अनु ए कह रहे, भरत ए, निर्मा,
सिमरन सभी कह रहे हैं पावर ऑफ द डॉग इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इस तरह के वर्ड से रिलेटेड हमें जो है पता होना चाहिए, काफी फेमस एंड इंपॉर्टेंट ये है। क्वेश्चन 26 आपके सामने, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ये तो गलत नहीं करना बिल्कुल भी। बेस्ट एक्ट्रेस एक्टर भी आपने बता दिया अभिषेक, बहुत अच्छे। यस नहीं, ए इज करेक्ट। हेलो रक्षा, रक्षा का आंसर ए है। देखते हैं ये जो है, ये तो गलत आपका आंसर नहीं होना चाहिए। 26 क्वेश्चन, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ AIIB किनको रिसेंटली चुना गया है? गौरव कुमार, इज इट उर्जित पटेल, DJ पांड्या, नन ऑफ द अबव। ठीक है, ऑप्शंस आप आराम से इसका जो है जवाब दे सकते हैं। यस, बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सभी का आंसर बी है एंड सबसे पहला आई थिंक पृथ्वी ने जवाब दिया है। बहुत बढ़िया, उर्जित पटेल इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे पृथ्वी। और यहाँ क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। रिसेंटली अलेक्सी माइलोव ये जो है प्राइम मिनिस्टर बने हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री की? इज इट किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान या कजाकिस्तान? बहुत अच्छे तरीके से आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है, फटाफट से इसका जवाब दीजिए। या बहुत बढ़िया स्पीड है आपकी एंड आई वांट द सेम टू कंटिन्यू। यहाँ पर क्वेश्चन 27 आपके सामने है। यस, फॉर्मर RBI गवर्नर, बहुत ही जोश से सिमरन ने आंसर डी दिया है। इसी जोश के साथ बाकी सबसे भी आंसर एक्सपेक्टेड है। अभिषेक डी कह रहे, सिमरन डी, नेक का डी है, भरत DSD। यस एब्सोल्युटली करेक्ट। HS एस्पिरेंट सी कह रहे हैं, डी एक्चुअली इज द करेक्ट आंसर। कजाकिस्तान इज द करेक्ट आंसर फॉर 27 एंड सबसे पहले इसका सही जवाब हमारे सिमरन ने दिया है। बहुत अच्छा स्पीड पिकअप की सिमरन। और यहाँ क्वेश्चन 28, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो? ये तो भाई गलत बिल्कुल ही मत करना। डॉक्टर एस सोमनाथ, के शिवन, AS किरण कुमार या BN सुरेश? फटाफट से 28 के आंसर अवेटेड है। इसमें एकदम गॉड स्पीड से आपको आंसर करना है, ये तो हमसे गलत होना ही नहीं चाहिए। 28 के आंसर्स इसरो के नए चेयरमैन के बारे में यहाँ पर पूछा गया। अभिषेक का ए, निर्माण एकदम फटाफट से ए आंसर किया है। अनु ए, नेक ए, अक्षय, सिमरन, पृथ्वी, विनय, भरत, सभी का ए है, यही एक्सपेक्टेड था। यहाँ हमें गलती नहीं करनी है। डॉक्टर एस सोमनाथ, इस तरह का क्वेश्चन हमारे कमीशन बार बार पूछ लेती है, तो इस वजह से सही जवाब हमें पता होना ही चाहिए। अभिषेक ने सबसे पहले इसका सही जवाब दिया था। क्वेश्चन 29 पे आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली टू कमेमोरेट 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ग्रैंड स्टैचू मेड ऑफ ग्रेनाइट इज इंस्टॉल्ड। ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुकी है, इट हैज बीन इंस्टॉल्ड वेयर? ठीक है, इज इट इंडिया गेट, न्यू दिल्ली, राजघाट, न्यू दिल्ली, इज इट रामगढ़ फोर्ट चंडीगढ़ या फिर हमारा गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई? 10th चेयरमैन ऑफ इसरो माही कह रहे हैं। ओके, 29th के आंसर अवेटेड है। अनु डी कह रहे हैं, AS का आंसर ए है, आरशी ए कह रहे हैं, प्रतिभा ए, सिमरन ने स्किप किया है, विवेक, मधु, बबीता का आंसर ए है, पृथ्वी का आंसर बी है। ओके, अभिषेक का आंसर है। ओके राइट, तो यहाँ पर सही जवाब दोस्तों इज ए, इंडिया गेट पर ये किया गया था। इसका तो गलत नहीं होना चाहिए, हमसे काफी इंपॉर्टेंट इवेंट था ये एंड आई थिंक इसका सबसे पहले सही जवाब दिया है हमारे शिवानी ने। बहुत अच्छा शिवानी। यहाँ क्वेश्चन 30 आपके सामने है, फटाफट से इसका भी जवाब दे दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इवेंट हुआ था। वेयर हैज PM नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड अ न्यू सर्किट हाउस? नया सर्किट हाउस एक स्पेसिफिक जगह पर ये जो है नया इनॉग्रेट किया गया है, वो कहां पर है? पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश? थोड़ा ये क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकता है, इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट था एंड लेट मी टेल यू इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे जो UPSC का रिसेंट एग्जाम हुआ है उसमें भी आ चुका है, राइट, इफ यू आर फॉलोइंग द पेपर्स, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स है उससे रिलेटेड हमें जो भी एग्जाम्स हो चुके हैं उनमें से पता चलता है और UPSC को हमारा कमीशन थोड़ा बहुत फॉलो करता है, तो यू शुड बी नोइंग कि कौन से कॉन्सेप्ट्स और कौन से इवेंट्स के बारे में पूछा गया है। 30 के आंसर्स यहाँ पर आने लगे हैं। सिमरन सी कह रहे हैं, भरत का सी है, प्रतिभा बी कह रहे हैं। ओके, तो यहाँ ये न्यू सर्किट हाउस जो है एक्चुअली सोमनाथ टेम्पल जो गुजरात में है वहाँ पर जो है इनॉग्रेट किया गया था और सोमनाथ टेम्पल से रिलेटेड इसी इवेंट को डिपिक्ट करते हुए
क्वेश्चन पूछ लिया गया था हमारी यूपीएससी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड आई थिंक बी सही जवाब सबसे पहले इस बार एएस ने दिया है, बहुत अच्छे एएस। क्वेश्चन 31 हमारे सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटी हैज बीन सिलेक्टेड बाय आईसीएमआर फॉर इट्स डॉक्टर सुभाष मुखर्जी नेशनल अवार्ड। अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और प्रीवियस क्वेश्चन का सही जवाब एक्चुअली है गुजरात सोमनाथ टेम्पल में ये किया गया था, बहुत ही ग्रैंड इवेंट इसका हुआ था ये सोमनाथ टेम्पल, राइट। तो इसका जवाब दीजिए, डॉक्टर सुभाष मुखर्जी नेशनल अवार्ड ये किसको दिया जा रहा है, विनोद शर्मा जी, डॉक्टर सतीश अडिगा, शाइलिन फॉर्ड या डॉक्टर सौरभ सेन। फटाफट से इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन 31 का अभिषेक ने बी कहा है, देखते और भी को इसका जवाब दे रहा है, भरत का आंसर बी है एंड लेट मी टेल यू गाइस बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, डॉक्टर सतीश अडिगा इज द करेक्ट आंसर। ओके, इसका सही जवाब सबसे पहले हमारे अभिषेक ने दिया है, बहुत अच्छे। क्वेश्चन 32 देखिए, यस बी विवेक स्किप कर रहे, राइट पृथ्वीराज क्वेश्चन मार्क के साथ बी दे रहे हैं। ओके, क्वेश्चन 32 देखिए, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रैब वर्ल्ड नंबर वन रैंक इन अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स कैटेगरी, जो कि लेटेस्ट बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जूनियर रैंकिंग्स में ये हुआ है, यस आईवीएफ। ओके, 20 करेक्ट। क्वेश्चन 32 आपके सामने है, बहुत ही तेजी से सिमरन ने जवाब दिया है डी, अभिषेक का आंसर डी है, देखते हैं बाकी लोगों का जवाब क्या है, फटाफट से इसका जवाब दीजिए, ये हमें पता होना चाहिए। ये बने हैं फर्स्ट इंडियन रैंक नंबर वन अंडर 19 जो बैडमिंटन जो है उसमें इनको इन्होंने ये अचीव किया है। सभी का आंसर ऑलमोस्ट डी है, डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, तस्नीम मीरी, ये तो नाम आपको पता होना चाहिए, रटा होना चाहिए फ्रॉम गुजरात। ओके राइट, क्वेश्चन 33 आपके सामने दोस्तों, फटाफट से जो कैमी रेलवे स्टेशन है मणिपुर में इसको रीनेम किया गया है और क्या रीनेम किया गया है वो पूछा जा रहा है। पिछले क्वेश्चन का सही जवाब सिमरन ने बहुत ही तेजी से दिया है, बहुत ही जोश में, और ये जो कैमी रेलवे स्टेशन है इसको रीनेम किया गया है, किस तरीके से रीनेम किया गया है, इज इट बड़श्वर सिंह रेलवे स्टेशन, रानी गाइडिनलू रेलवे स्टेशन, होम सिंह रेलवे स्टेशन या किंग सुदिंगपा रेलवे स्टेशन, राइट। 33 क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर्स आने लगे हैं। पृथ्वी ने सबसे पहले बी कहा है, अभिषेक का बी है, सिमरन सी कह रहे हैं, देवभूमि हिमाचल हेलो कैसे हो आप, इनका आंसर बी है, ऑलमोस्ट सभी का आंसर बी है, बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, रानी गाइडिनलू रेलवे स्टेशन इसका नाम रखा गया है। ओके, दी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 34 आपके सामने है एंड पिछले क्वेश्चन का सबसे पहले सही जवाब हमारे पृथ्वी ने दिया है, इंडियाज फर्स्ट हेलीकॉप्टर हब ये कहाँ पर सेटअप किया जा रहा है, मुंबई, नोएडा, गुरुग्राम या फिर न्यू दिल्ली, फटाफट से इसका जवाब दीजिए। नेक बहुत बढ़िया सही है, रानी गाइडिनलू इज करेक्ट। क्वेश्चन 34 फटाफट से इसका जवाब, इंडियाज फर्स्ट हेलीकॉप्टर हब ये कहाँ पर लाया जा रहा है, पृथ्वी का आंसर सी, विनय सी कह रहे हैं, अभिषेक सी, एस सी कह रहे हैं, सिमरन सी, भरत का सी है, अनु सी, आरशी ने भी सी जवाब दिया है, गुरुग्राम इज एब्सोल्युटली करेक्ट एंड इस बार भी बाजी मारी है पृथ्वी ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 35, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज री ग्रांटेड वोटिंग राइट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है किनको ये वोटिंग राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं री ग्रांटेड, इज इट ईरान, गिनिया, वनाटू, वेनेजुएला, इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन आपको सही लग रहा है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है बट पता होना चाहिए हमें। ओके, सी इज करेक्ट देवभूमि। क्वेश्चन 35 आपके सामने, फटाफट से इसका जवाब दीजिए, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो सकता है एंड इस तरह से अगर डिफिकल्टी लगती है हमें स्किप करना वुड बी द बेस्ट थिंग, जो सिमरन ने किया है, माही का आंसर सी है, पृथ्वी बी कह रहे हैं, भरत अनु ने स्किप किया है, देवभूमि 4 कह रहे हो आप, प्रतिभा ने स्किप किया है, मधु, ओके फाइन, तो इसका सही जवाब एक्चुअली इज सी, 1, 2 एंड 3 ईरान, गिनियन, वनाटू, इन्हें फिर से वोटिंग राइट्स जो है वो मिल गए हैं इन कंट्रीज को जो पहले नहीं थे, मोस्टली सभी ने स्किप किया है, सी इज द करेक्ट आंसर एंड आई डोंट थिंक किसी ने भी सी जवाब दिया है, सो इसका पॉइंट जाता है मुझे। क्वेश्चन 36 आपके सामने, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, जो कि यूनिसेफ है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किन्हें अपॉइंट किया गया, कुछ इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर मकसूदा, इज इट सौमित्रा,
इज इट हेनरिएटा या फिर कैथरीन एम रसेल? कौन सा आपको सही लग रहा है? फटाफट से इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन 36 के आंसर्स आने लगे हैं। विनय ने डी कहा है, अभिषेक का डी है, सुशांत कैसे हो सुशांत? सुशांत का आंसर डी है, सिमरन डी कह रहे हैं, भरत डी, देवभूमि डी, ऑलमोस्ट सभी का आंसर डी है। डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, कैथरीन एम रसेल इज द करेक्ट आंसर। एंड आई थिंक इसका सही जवाब सबसे पहले विनय ने दिया है। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, अब्राहम अकॉर्ड इज रिलेटेड टू द अफेयर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? इज इट इजराइल, यूएई, कतार, इसराइल यूएई बहरेन, इसराइल यूएई ईरान, या इसराइल यूएई सऊदी अरेबिया? पूरी कंफ्यूज करने की कोशिश, बट इस कंफ्यूजन में थोड़ा सा आंसर भी मिल गया आपको, तो फटाफट से इसका जवाब दीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट एक चीज है। यस, कैथरीन रसेल, सही निर्मा, सही कह रहे हो। क्वेश्चन 37 आपके सामने, फटाफट से इसका जवाब दीजिए। पृथ्वी का आंसर ए है, सुशांत डी कह रहे हैं, अभिषेक डी कह रहे हैं, ए एंड डी में फाइट हो रही है यहाँ पर। राजेंद्र का आंसर डी है, भावना ने बी कहा है, देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। एक्चुअली द करेक्ट आंसर इज गिवन बाय भावना और इसराइल यूएई बहरेन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरीके से हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब्राहम अकॉर्ड ये जो है इनके बीच में किया गया था, जहां पर एक हिस्टोरिक ये अकॉर्ड था, जहां इसराइल के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया था। एज वी नो, अरब वर्ल्ड एंड इसराइल दोनों एक दूसरे के सामने जो है एनिमीज की तरह से होते हैं। यस, इजराइल, यूएई एंड बहरेन इज द करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन 38 आपके सामने, रिसेंटली इंडिया इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड ब्रिज इन विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस? ये भी न्यूज में था। ओके, हमारे बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन ब्रो ने ये किया है। उमलिंगला पास है, खारदुंगला पास है, शिल्पीला पास है, या नाथुला पास है, ये तो आपको पता होना चाहिए। बहुत अच्छे से ये टॉपिक्स पढ़ते हैं। अभिषेक का आंसर ए, अक्षय ये कह रहे हैं, सिमरन ए, भावना ए, तो यहाँ सही जवाब ए है, उमलिंगला इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड आई थिंक सबसे पहले अभिषेक ने इसका सही जवाब दिया है, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, 30x30 इज एन इनिशिएटिव ऑफ यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूरोपियन यूनियन, ग्रीन क्लाइमेट फंड, या फिर हाई एम्बिशन कोएलिशन फॉर नेचर, नेचर एंड पीपल? थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो सकता है। यस, यस हिमानी बाई ब्रो, यस बहुत बढ़िया। सुशांत, देवभूमि, राजेंद्र सभी ने कुछ एक्स्ट्रा यहां पर जो है इन्फॉर्मेशन दी है। 39 का आंसर आने लगे, सिमरन का आंसर ए है, सुशांत ए कह रहे हैं, देखते हैं बाकी लोगों का जवाब क्या है। भरत ए कह रहे हैं, तो इसका सही जवाब दोस्तों इज एक्चुअली डी, हाई एम्बिशन कोएलिशन फॉर नेचर एंड पीपल। ओके, तो इस तरह के जो इनिशिएटिव्स हैं इनके बारे में आपको एक बार देख लेना चाहिए। कई लोगों ने आंसर ए दिया है, प्लीज इसको भी एक बार आप चेक कर लो, राइट। ये जो है 30x30 इनिशिएटिव एक्चुअली हाई एम्बिशन कोएलिशन फॉर नेचर एंड पीपल का है, एक बार आप चेक कर लेना। क्वेश्चन 40 आपके सामने, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन द बेस्ट स्टेट कैटेगरी ऑफ द नेशनल वाटर अवार्ड्स 2020? ओके, तो ये जो है क्वेश्चन 40 में पूछा गया है, फर्स्ट पोजीशन नेशनल वाटर अवार्ड्स 2020, इसमें बेस्ट स्टेट कैटेगरी किसे मिला है? इज इट आंध्र प्रदेश, केरला, हिमाचल और उत्तर प्रदेश? ओके, यूरोपियन यूनियन, ओके, राइट। 40 के आंसर्स आने लगे हैं, अभिषेक डी कह रहे हैं, विनय डी, एस का आंसर डी है, एंड डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, सभी लोग यहां पर सही कह रहे हो। यस, डी इज करेक्ट सिमरन, राइट। तो 40 का सही जवाब है, नेशनल वाटर अवार्ड्स बेस्ट कैटेगरी स्टेट जो है उत्तर प्रदेश को मिला हुआ है, राइट। तो भावनाओं में बहकर हिमाचल प्रदेश मत कर दीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है, पिछले का सही जवाब सबसे पहले अभिषेक ने दिया है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन 41, गंगा सागर मेला लार्ज रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन जो होता है ये कहाँ पर हुआ था? वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, या उत्तराखंड? ये भी न्यूज में था बहुत ज्यादा, तो हमें सही जवाब पता होना चाहिए। लेट्स सी कौन इसका सही जवाब देता है। ए एस ने फटाफट से जवाब दिया है, ए कह रहे एच एस एस्पिरेंट ने जल्दी में अपने ऑप्शन ही नहीं दिया। एच एस, अच्छे का आंसर ए है, ओके फाइन। भावना ए, अच्छे एस्पिरेंट ने ए कहा है, नेक का ए है,
यस एब्सोल्युटली ए इज करेक्ट। वेस्ट बंगाल में ये गंगा सागर मेला किया जा रहा है। एंड अगेन इस बार एस ने सबसे पहले सही जवाब दिया है। क्वेश्चन 42 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और इन स्टेटमेंट में सही गलत आपको पहचानना है, उसके हिसाब से आंसर करना है। पहला स्टेटमेंट है वीर बाल दिवस इज कमेमोरेटेड ऑन दिसंबर 26th। वीर बाल दिवस इज टू ऑनर द सैक्रीफाइस मेड बाय द सन्स ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, इनमें से कौन सा आपको स्टेटमेंट सही लग रहा है उसके हिसाब से आपको इन ऑप्शंस में से चुनना है। 42 क्वेश्चन के आंसर्स आने लगे हैं। अभिषेक ने ए कहा है, पृथ्वी का ए है, भावना ए कह रहे, अक्षय ए, सुशांत ए, शिवानी एच एस एस्पिरेंट, सिमरन का आंसर है बोथ आर करेक्ट, भावना कह रहे बोथ आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, ये दोनों ही सही हैं। एंड आई थिंक सबसे पहले इसका सही जवाब दिया अगेन अभिषेक ने। अभिषेक बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया स्पीड है आपकी। रिसेंटली द फर्स्ट वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट इन इंडिया वॉज लॉन्च्ड इन। अभिषेक अब फटाफट से आपको जवाब देना है। आप कह रहे थे आई थिंक इसके बारे में कुछ केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, असम। ठीक है, चार साहिबजादे, यस राइट, यस करेक्ट। 43 क्वेश्चन आपके सामने है। अभिषेक ने जवाब दिया है ए कह रहे हैं, विनय ओके रिट्रैक्ट किया है। पृथ्वी का आंसर ए है, चेस का आंसर ए है, शिवानी ए, आरशी ए, ऑलमोस्ट सभी ने ए दिया है। कोची इज एब्सोल्युटली करेक्ट। केरला कोची में फर्स्ट वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट किया जा रहा है। टैक्सी और मेट्रो में आप कंफ्यूज मत होइएगा, टैक्सी हो रही है मुंबई में, वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट जो है ये कोची केरला में की जा रही है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वर्ड्स पर ध्यान दीजिएगा, दोनों ही चीजें जान जनवरी में हुई थी, इस वजह से आपके सामने लाया गया है। अभिषेक ने बाजी मारी, सही जवाब दिया पिछले क्वेश्चन में। इस बार क्वेश्चन 44 आपके सामने है। ये जो है हरगोबिंद खुराना, इनके ऊपर ये क्वेश्चन बनाया गया है, रिसेंटली न्यूज में थे। ही वाज द फर्स्ट पर्सन एबल टू सिंथेसाइज द फर्स्ट आर्टिफिशियल कॉपी ऑफ अ यीस्ट जीन। जीन सिंथेसिस जो है लैबोरेटरी में इन्होंने किया है, आर्टिफिशियली किया है, ये चीज कहा जा रहा है। He received Nobel Prize in Chemistry for his work on gene protein. अच्छे से पढ़ना and then try to answer this question. And if you answer it correct, तो मैं समझूंगा कि बहुत ही बढ़िया आपकी जो प्रिपरेशन है एंड स्पीड में भी आप सही जवाब दे पा रहे हो। तो सिमरन का आंसर ए है, सुशांत ए कह रहे, विनय का ए है, शिवानी सी कह रहे हैं, आरशी बी कह रहे हैं। एबीसी में बहुत ज्यादा फाइट यहाँ पर चल रही है। यस बहुत बढ़िया, सुशांत ने बता दिया है कि यहाँ पर गलती क्या है। ओके तो इसका जवाब ए है, इट इज नॉट नोबेल प्राइज जो मिला था केमिस्ट्री में नहीं मिला था, इट वॉज गिवन इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बहुत बढ़िया सिमरन, सुशांत एंड आई थिंक इस क्वेश्चन का सबसे पहले जवाब दिया है हमारे सिमरन ने, राइट right? तो बहुत अच्छे, ये ही हमारी चील की नजर होनी चाहिए एग्जाम में भी। क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने है। मिशन परवरिश ऑन माल न्यूट्रिशन इज एन इनिशिएटिव ऑफ व्हाट। ठीक है, कौन से जगह की ये है मिशन परवरिश? सिक्किम, हरियाणा, असम या राजस्थान, कौन से जगह, कौन से स्टेट हम कह सकते हैं कि मिशन परवरिश ये लॉन्च किया गया था। स्टेट्स के जो मिशन और स्कीम्स होते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं। लास्ट 5 क्वेश्चंस बहुत ही जोश में हमें इन क्वेश्चंस को आंसर करना है। क्वेश्चन 45 आपके सामने है। पृथ्वी 46 का जवाब दे रहे हो, ओके बी कह रहे हैं, पृथ्वी का आंसर बी है, मानसी सी कह रहे हैं, सिमरन ने स्किप किया है, राजेंद्र का आंसर सी है, देखते हैं बाकी लोगों का आंसर क्या है। बी सी में फाइट चल रही है, स्किप भी किया जा रहा है। विवेक, मानसी, असम कह रहा है, असम इज एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस, सी इज द करेक्ट आंसर। एंड आई थिंक 45 का सबसे पहले सही जवाब इस बार मानसी ने दिया है, बहुत ही अच्छे मानसी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, दिस रिपोर्ट वाज इन द न्यूज, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय, ये तो इंपॉर्टेंट एंड काफी बार न्यूज में भी रहता है, हर साल हम पढ़ते भी हैं इसको, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF या फिर यूनाइटेड नेशंस, किसके द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है? एकदम गॉड स्पीड में इसका आंसर चाहिए। ओके से स्टार्ट किया गया, कचहर डिस्ट्रिक्ट से, भावना बता रहे, बहुत अच्छा भावना। देवभूमि हिमाचल, इनका आंसर बी है। ओके मानसी ने सी कहा है, सिमरन का सी है, एच एस एस्पिरेंट सी, ऑलमोस्ट सभी ने सी कहा है, यस सी। ये हर साल हम पढ़ते हैं ये, तो हमें पता होना चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन उनके द्वारा कौन से रिपोर्ट्स रिलीज हो रहा है, आप रट लो उनको। एंड ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट इज एक्चुअली रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, राइट, रिसेंटली आया था एंड दैट इज व्हाई दिस वाज इन द न्यूज।
46 का आई थिंक अगेन मानसी ने सही जवाब दिया है सबसे पहले। ये कमेटी बनी थी रिसेंटली, क्वेश्चन 47 उस पर बना हुआ है। ये जो कमेटी थी रंजीत सिंह झाला कमेटी, ये कमेटी किससे रिलेटेड बनाई गई थी? इज इट एनिमल राइट्स, मैराइन फिशिंग, ट्री कंजर्वेशन या बर्ड ट्रैवल मैप? ठीक है, काफी कंफ्यूजिंग ऑप्शंस यहाँ पर, बट अगर आपने इस कमेटी के बारे में पढ़ा होगा तो आप सही जवाब दे सकते हो। हेलो मनिंदर, कैसे हो आप? इनका आंसर सी है। ओके, सी इज करेक्ट। 47 अभिषेक ने भी स्किप कर दिया। देखते हैं बाकी लोगों का क्या जवाब है। स्किप किया है राजेंद्र ने, वीके शर्मा बी कह रहे हैं। देखते हैं बाकी लोगों का क्या आंसर है। प्रतिभा ए कह रहे हैं, तो लेट मी टेल यू गाइस कि ओके, सिमरन ने भी स्किप किया, तो इसका सही जवाब है ट्री कंजर्वेशन। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा, ये जो कमिटी बनी थी दिस वाज रिलेटेड टू ट्री कंजर्वेशन। ओके, तो ये चीज हमें याद रखनी है, एंड आई थिंक इसका पॉइंट जाता है मुझे। ओके, डी नहीं, एक्चुअली द आंसर इज सी, ट्री कंजर्वेशन। 48 क्वेश्चन आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और अ करेक्ट विथ रेफरेंस टू फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021? बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट हमारे लिए, और यहाँ पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट है, द टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ द कंट्री इज मोर देन 25% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। एरिया वाइज मध्य प्रदेश हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री। फटाफट से इसका जवाब भी मिलना चाहिए, क्योंकि ये रिपोर्ट हम बहुत ही अच्छे से ध्यान से पढ़ते हैं, और ये स्टैटिस्टिक्स जो है ये हम अच्छे से पढ़ते हैं। 48 का आंसर दे दिया है हमारे सुशांत ने, बी कह रहे हैं। पृथ्वी का बी है, अभिषेक बी, अक्षय का बी है, यस बहुत अच्छे, यस बहुत बढ़िया पृथ्वी, बहुत अच्छा सुशांत, राइट। तो दोनों ने ही बताया है कि गलती क्या है यहाँ पर। गलती एक्चुअली ये है कि 25% से ज़्यादा ये जो एरिया नहीं है, इट इज़ अराउंड 24.6%, राइट। तो ये सही है, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर के बारे में पूछा गया, मध्य प्रदेश इज एब्सोल्युटली करेक्ट, जहां पर आपको लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर देखने को मिल रहा है। बी टू ओनली इज द करेक्ट आंसर, यस सिमरन, ओके ओनली फॉरेस्ट कवर इज 21.71, अभिषेक कह रहे। क्वेश्चन 49, ओके पेनल्टीमेट क्वेश्चन हमारा। कुछ जो इंडिजिनस कम्युनिटीज है इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और खोईसांस आर द इंडिजिनस कम्युनिटीज प्रेजेंट इन विच ऑफ दीज रीजन? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये है साउथ अफ्रीका, साउथ सूडान, साउथ कोरिया या सोमालिया? फटाफट से इसका जवाब दीजिए। यस राइट शिवानी, राइट अक्षय, देवभूमि, सही विनय, हाँ ज्यादा है, राइट कवर मिजोरम, राइट। ओके, तो यहाँ क्वेश्चन 49 आपके सामने है, ये रिसेंटली न्यूज में थी ये कम्युनिटी, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। अभिषेक का आंसर ए है, पृथ्वीराज ए कह रहे विद क्वेश्चन मार्क, सुशांत ने स्किप किया, आरशी ए कह रहे, राजेंद्र स्किप कर रहे हैं, तो इसका सही जवाब इज ए। ओके, ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट, एंड आई थिंक अभिषेक ने इसका सही जवाब दिया है। आजकल ट्रेंड बन गया है अफ्रीकन कंट्रीज से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, अगर कोई वहां पर ट्रेजिडी या फिर किसी तरह का नया इनिशिएटिव या फिर ऐसा कुछ होता है, राइट। तो साउथ अफ्रीका खोईसांस इंडिजिनस कम्युनिटी जो है वहां से बिलोंग कर रही है। एंड हमारा आखिरी क्वेश्चन इस सेशन का ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पोटेंशियल एप्लीकेशंस ऑफ मेटावर्स? तो मेटावर्स वाज इन द न्यूज, किस लिए न्यूज में था वो आप बताओगे, साथ में इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करिए। मेटावर्स जो है कौन से एप्लीकेशंस के लिए यूज किया जाता है, जा सकता है? डिसेंट्रलाइज्ड कॉमर्स, गेमिंग, इमर्सिव लर्निंग? फटाफट से इसका जवाब दीजिए दोस्तों, और ये जो है हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। उसी जोश के साथ आपको इस क्वेश्चन को भी आंसर करना है, मेटावर्स न्यूज में क्यों था वो भी अगर आप मुझे बता सको, दैट वुड बी ग्रेट। पृथ्वी का आंसर डी है, सिमरन स्किप कर रहे हैं, भरत डी, अभिषेक डी, यस डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, तीनों ही चीजों के लिए ये होता है। एंड कई बार एग्जाम में मैं ये कंपल्सरली आपको बता नहीं रहा हूं, अगर साइंस एंड टेक के एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो मोस्टली ऑल ऑफ द अबव उसका जो है सही जवाब होता है। ये एक ब्लाइंड रूल नहीं है, बट मोस्टली देखा गया है स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से कि ऑल ऑफ द अबव इसका सही जवाब होता है, जो भी साइंस एंड टेक के एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ब्लाइंडली हमें ये नहीं करना है, बट अगर आपको लग रहा है कि कट ऑफ क्रॉस नहीं हो रही है, फाइनली आपको आइडिया नहीं लग रहा है, तो ये
आई वुड टेल यू कि ये आप ट्राई कर सकते हो, और इसके साथ में आपके प्रीलिम्स एग्जाम की प्रिपरेशन और उसको गेज करने के लिए बहुत ही बढ़िया आपके सामने एचपीएस प्रीलिम्स का एक कंप्लीट टेस्ट सीरीज लेकर आया गया है, जिसमें आपको 5 थिंग्स प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पीडीएफ, करंट अफेयर्स मैगजीन, हिमाचल जीके मॉड्यूल और लाइव रिविजन सेशन प्रोवाइड किए जाएंगे सिर्फ 800 रुपीज में। तो प्लीज डू बी पार्ट ऑफ दिस। साथ में पावर पैक कोर्स आपके लिए लाया गया है, जहां पर कंप्लीट जीएस मॉड्यूल, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, कंप्लीट सीसैट मॉड्यूल, स्पेशल हिमाचल जीके मॉड्यूल और कंप्लीट करंट अफेयर्स आपके सामने जो है आपको दिया जाएगा, जहां आप अपनी प्रिपरेशन को एक लेवल आगे बढ़ा सकते हैं, साथ में अपने आप को बहुत बढ़िया तरीके से टेस्ट भी कर सकते हैं। दिस इज फॉर 2400। प्लीज अगर आप अवेल करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड ऑल्सो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा कोई भी इश्यूज है यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर या मेल कर सकते हैं। जाइएगा मत, होमवर्क क्वेश्चन आपको आंसर करना है, ये क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में आपके आंसर्स आने चाहिए इसके, और कमेंट बॉक्स जो है वहां पर प्लीज इस क्वेश्चन को आंसर करिएगा। इफ यू हैव कैलकुलेटेड अपना स्कोर भी बताते जाइए। और ये क्वेश्चन है, द फेमस लिपु लेक पास इज लोकेटेड इन द बाउंड्री ऑफ इंडिया एंड विच ऑफ दीज कंट्रीज, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान या चाइना, इसका जो है आपको जवाब देना है इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच गायज। और इसके साथ में लेट अस एंड दिस सेशन, थैंक्स अलॉट। भरत ने अपना स्कोर बताया है, इनका स्कोर है 32 out of 43, बहुत अच्छे भरत। एंड विद दिस लेट अस एंड दिस सेशन, थैंक यू सो मच। कमेंट बॉक्स में आपको इसका जवाब देना है, प्लीज डू आंसर दैट एंड ऑल्सो गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक।